सावेर में कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। विधानसभा क्षेत्र सावेर में कांग्रेस पार्टी द्वारा किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री विधायक जीतू पटवारी, आगर मालवा विधायक विपिन वानखेड़े, ग्रामीण अध्यक्ष सदाशिव यादव, सम्मेलन का आयोजनकर्ता विक्रम चौधरी, ओम प्रकाश चौधरी, हरिओम सोनगरा, राहुल सरपंच, स्थानीय विधायक के दावेदार आशीष चौवेसिया आदि नेतागण किसान सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी ने महंगाई मुद्दा, फसलों के उचित दाम, महिला सम्मान निधि, गैस सिलेंडर को लेकर किसानों से चर्चा की। किसान सम्मेलन में भारी संख्या में शामिल हुए किसान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी की गाज पत्रकारों के मारपीट पर चंद्रावतीगंज पुलिस को मंच से दी खुली चुनौती। वंदे भारत न्यूज से कैमरामैन कमल किशोर के साथ राजेश धाकड़। इसके अलावा कमलनाथ जी ने कहा है कि 500 रुपये में महिलाओं को गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, सभी हमारी माता बहनों को प्रतिमाह 1500 रुपये दिए जाएंगे नारी सम्मान योजना के तहत। इसके अलावा बिजली के बिल की जो हमारी घोषणा की गई है, ऐसी तमाम घोषणाएं, चाहे वो कर्जा माफ़ी की बात हो, पूर्णतः किसान हितैषी सरकार अगर देश में कोई है तो सिर्फ कांग्रेस की सरकार है। और जैसे ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, जैसे 2018 में 15 महीने तक किसानों को लाभ मिला, उससे दोगुना लाभ 2023 से किसानों को मिलने वाला है। ये शिवराज राज है, इसमें अफसरों का राज चल रहा है, जनप्रतिनिधि नहीं सुना जाता, तो इसको लेके आप क्या कहना चाहिए? शिवराज राज है, अफसरों का राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, दलालों का राज चल रहा है, भ्रष्टाचारियों का राज चल रहा है। सरकार का, शिवराज सिंह चौहान का, ना तो किसानों की ओर ध्यान है, ना महिलाओं की ओर ध्यान है, ना युवाओं की ओर ध्यान है। प्रदेश में युवा बेरोजगार घूम रहा है, किसान परेशान है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी सरकार को जनता निकाल फेंकेगी और 2023 में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। आपका परिचय सर? विपिन, चुनाव को लेके जमीन तौर पे इस तरीके क्या तैयारी चली है? देखिए, हम कोई चुनावी वर्ष के समय ही तैयारी का नहीं रहता है, हमारे संगठन का काम है कि 5 साल निरंतर तैयारी करना, और उसमें हमने की है। अभी जो संगठन को मजबूत करने और मीटिंग के लिए हमारे आदरणीय राजा साहब हमारे 23 तारीख के दिन यहाँ पर मंडलम सेक्टर और सम्मेलन करने जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। और लगातार सावेर में रऊ विधानसभा हो, चाहे ग्रामीण की महू हो या देपालपुर हो, हम लगातार हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ में, नेतागण के साथ में हम मीटिंग करते हैं और जवाबदारी के साथ काम करते हैं। तो हमारी तैयारी 5 वर्ष की रहती है कि हमारी सरकार निश्चित तौर से संगठन के मान से, नेतागण के मान से, और सबसे बड़ा हमारी जनता जनार्दन मतदाताओं का जो रुझान है वो पता लग चुका है, और कांग्रेस की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 100% बनेगी। शिवराज के राज्य में पत्रकार लोग भी सुरक्षित नहीं, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए जीतू भाई, जो निर्भीक एक स्वतंत्रता की तरह वो लिखते हैं और उसी लिए बीजेपी को खटकते हैं, और पुलिस की जो प्रताड़ित करने की कांग्रेसियों का एक कठपुतली के समान नेताओं के साथ काम करते हैं, उसके विरोध में वो लेखनी लिखते हैं। और उनको जब बड़ा दुख होता है कि पुलिस TI जैसा एक व्यक्ति उसके साथ मारपीट करता है, हाथ उनका तोड़ा जाता है, जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने उनका, जब MLC पुलिस द्वारा की जाती है, लेकिन मैंने MY में, अरविंदो में उनकी MLC करवाई, उनको हाथ फ्रैक्चर आया, और हम निश्चित तौर से प्राइवेट याचिका भी लगा रहे हैं, उनके साथ है पूरी कांग्रेस पार्टी, उनके साथ है, और वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनको मैं शुभकामना देता हूँ कि ये आता रहेगा दौर, लेकिन अति का भी अंत होता है, और वह अंत हो चुका है। सर, आपका मैं इंदौर जिला कांग्रेस